अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। सी दे हैव रिटन द वर्ड इकोनॉमिक वेलफेयर, ओनर्स एंड ओनर आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्टिंग अ प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग अ कॉमर्शियल स्ट्रेटेजी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर अचीव्ड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इनडायरेक्टली देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको इस तरीके से समझो, कोई भी बिजनेसमैन अपना फंड जो मैनेज करेगा उसके पीछे उसके दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक तो प्रॉफिट बिजनेस में बढ़े और दूसरा बिजनेस की वेल्थ में इंक्रीज हो। बिजनेस वेल्थ इंक्रीज होना मतलब जिन्होंने रुपया लगाया है उन्होंने जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो। तो कंपनीज के केस में इसी तरह से पॉसिबल है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ती है तो ओनर्स का वेल्थ बढ़ता है। हम थोड़े छोटे लेवल पे सोचते हैं, मान लो एक छोटा बिजनेसमैन है जिसने 50 लाख रुपया जैसा अपने बिजनेस में लगाया एंड ही इज ओनली द ओनर, ओनली वन पर्सन इज द ओनर। तो उसके केस में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होगा? तो इफ ही इज द सिंगल ओनर, इफ एवरी ईयर ही इज अर्निंग द प्रॉफिट, सो हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, वेल्थ कैसे बढ़ेगी? सो वॉट ही हैज टू डू, एवरी ईयर वॉट एवर प्रॉफिट ही इज गेटिंग, सम ऑफ द प्रॉफिट ही हैज टू सेव फॉर द फ्यूचर पर्पज। 5-10 साल तक अगर वो कुछ प्रॉफिट सेव करता है, उसी प्रॉफिट में से वही जो सेव किया हुआ रुपया है जिसको हम रिजर्व्स बोलते हैं, उसी से वो कोई नया प्लांट खरीदता है, कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे उसका हो रहा है ग्रोथ, उसकी वेल्थ बढ़ रही है, प्रॉपर्टीज उसकी बढ़ रही है। इनकेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इनकेस ऑफ शेयर, इनकेस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई एक ओनर नहीं होता है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ ओनर, लैक्स ऑफ ओनर, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर। और इक्विटी शेयर होल्डर, अगर मैंने एक शेयर खरीदा है तो भी मैं ओनर हूं, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो भी मैं ओनर हूं। इन सबका वेल्थ बढ़ाना है। अब सबको हम बिल्डिंग तो दे नहीं सकते, सबको प्लांट तो दे नहीं सकते, तो उनकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? तो उनकी वेल्थ बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उन्होंने जो शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ेगी वो लोग उसको सेल करेंगे तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी। सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ हियर देर इज अ बिग आर्ग्यूमेंट, सम पीपल से दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सम ऑफ द देम हैव आर्ग्यूमेंट, सो लेट अस डू। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एवरी बिजनेस एक्टिविटी। अ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट टू कवर इट्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड फंड फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट क्यों होना चाहिए? ताकि हम सारे बिजनेस के एक्सपेंसिस को कवर कर पाए और फ्यूचर में हमारा ग्रोथ भी हो पाए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है। अगर आपको एवरी ईयर लॉस ही हो रहा है तो फिर वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट प्रोवाइड्स मोटिवेशन, प्रॉफिट प्रोवाइड्स अस मोटिवेशन दैट वी आर अर्निंग समथिंग, मे बी लेस प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट, दैट इज इन मटेरियल, बट इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट देन यू विल सर्वाइव इन दिस बिजनेस। पर अगर आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी में से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि प्रॉफिट इज द मोटिवेशन टू सर्वाइव इन द बिजनेस। प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो, अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट। आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दैट इज इमटेरियल, आप क्या कर रहे हो दैट इज इमटेरियल।
पर अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर द एफिशिएंट मैनेजर। कोई एक बंदा है एमबीए किया हुआ है और एक बंदा अनपढ़ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक अनपढ़ बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और एक पढ़ा लिखा एमबीए किया हुआ बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वो ये जो अनपढ़ पर्सन है उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और रोज रोज का हजारों कमा रहा है, और एमबीए वाला अपनी ऑफिस में बैठा है, वेट कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, सोच रहा है कि क्या करूं, बंद कर दूं, चालू रखूं, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, बिजनेस ही नहीं चल रहा है उसका। तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि जो अनपढ़ है, इलिटरेट पर्सन है, ही इज द बेस्ट मैनेजर। नो डाउट ही इज इलिटरेट, बट ही इज द बेस्ट मैनेजर बिकॉज ही हैज द कैपेसिटी टू प्रिंट नोट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये चीज प्रैक्टिकली सोचो, मार्केट में आपको देखेंगे बहुत सारे लोग, आप बड़ौदा में सर्वे करो, बड़ौदा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज का टर्नओवर हजारों का है, एक दिन का 10,000-20,000 रुपया कमाते हैं पर डे, एंड एंड दे आर द फ्रॉम द इलिटरेट फैमिली, दे आर नॉट द मास्टर्स। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा तो आप कभी देखना, दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज मंथली, देयर इनकम इज इन द 3-4 लाख रुपीज। कितनी सारी डिग्रीज मिलने के बाद इतनी सैलरी मिलती है मंथली, और ये अनपढ़ लोग इतना कमा रहे हैं। तो दे आर द बेस्ट पीपल, दे नो हाउ टू डू द बिजनेस। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूं, बड़ोड़ा में धुलीराम पेंडा वाला नाम सुना होगा आपने, उसके यहाँ लाइन लगती है, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो लाइन लगती है, उसका रोज का हजारों का टर्नओवर है, महीने का लाखों का टर्नओवर है। दूसरा है बड़ोड़ा में, अगर मैं बताऊं तो महाकाली सेवसड़, अगर नाम सुना हो आपने, कीर्ति स्तंभ के पास है महाकाली सेवसल वाला, रोज का वो 10-20 हजार रुपया अर्निंग है उसका, प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ टोटल रेवेन्यू। सो दे आर द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, उसी तरीके से कारेलीबाग में कुछ वो राजू ऑमलेट वाला है, ये सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जिन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है, बट दे नो, दे हैव गिवन द क्वालिटी। व्हेन यू गिव द क्वालिटी देन डेफिनेटली योर बिजनेस विल ग्रो। सो प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आप कितने एफिशिएंट हो वो आपके प्रॉफिट से पता चलता है, एंड प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज तो अगर प्रॉफिट होता है तो रिस्क के टाइम पे आपको काम लगेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको हेल्प करेगा, आपने प्रॉफिट को सेव करके रखा है रिजर्व के तौर में। तो जब अनसर्टेनिटीज आती है या तो रिस्क कोई आ जाता है, कोई एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो प्रॉफिट काम में आता है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फेवर में कुछ बताया गया है यहाँ पे, कि प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के स्टार्ट नहीं होता है। इट इज द बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द बिजनेस एफिशिएंसी। इससे आपको पता चलता है बिजनेस कितना सक्सेसफुल है। फिर आपको बताया प्रॉफिट आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी इज एसेंशियल टू फुलफिल द सोशल गोल्स ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू सर्वाइव बिजनेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है प्रॉफिट की फेवर में, बट देर आर सम पीपल हु बिलीव दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। खाली प्रॉफिट को ही अगर आप ध्यान में रखते हो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं,
बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट उसकी अगेंस्ट में ये बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया, द टर्म प्रॉफिट इज वेग, दैट इज अनसर्टेन. कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देर आर थाउजेंड नेम्स ऑफ द प्रॉफिट. सो आउट ऑफ दिस विच प्रॉफिट अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू इंक्रीज, दैट इज नॉट क्लियर. तो एक ए पॉइंट है. सेकंड वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप बिजनेस में आज 10 लाख रुपया लगाते हो, 10 लाख रुपया आज आपने बिजनेस में लगाया, पहले साल आपको प्रॉफिट हुआ 10 हजार, दूसरे साल आपको प्रॉफिट हुआ 5 हजार, तीसरे साल आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, चौथे साल आपको लॉस हुआ. तो देखो मेरा एक एग्जाम्पल देखो, 10 लाख बिजनेस में लगाया है, फर्स्ट ईयर 10,000 प्रॉफिट, सेकंड ईयर 50,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर लॉस, फोर्थ ईयर में 30,000 प्रॉफिट, तो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं. देयर शुड बी प्रॉफिट बट इट शुड बी इंक्रीजिंग. प्रॉफिट होना चाहिए बट प्रॉफिट आपका बढ़ना चाहिए हर साल. टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू रिसीव प्रॉफिट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है. थोड़ा व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम वर्क करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. So I hope you all are watching this, or it is visible to all of you, this whiteboard. In this whiteboard, I am giving the one example to explain the concept of time value of money. ध्यान से देखना, आंसर आपको देना है. For this, I am taking the two businessmen. I am taking Mr. Let us take the name of the business. One, I am taking the XYZ Limited. Or, dusra main business le leta hu, PQR Limited. Do businessmen ki hum baat kar lete hain. Aur dono ka हम इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कीपिंग इन माइंड द ईयर. तीन चीजें मैंने यहां पे आपको बताई हुई है. चलो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर मतलब आज की बात करते हैं, जीरो. वी आर स्टार्टिंग विद द जीरो, वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. सपोज टुडे दिस बोथ द पीपल they have invested suppose 10 lakh rupees in their business. Both of them, both the companies have invested 10 lakh rupees. This is a small example for just explanation of the time value of money. Dono business mein 10 lakh crore lagaya, chalo crores mein samjho. This is their initial investment. After this investment, at the end of 1 year, दे विल गेट सम रिटर्न. तो फर्स्ट ईयर का जब एंड होता है तो दोनों को क्या रिटर्न मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं. एक्सवाइजर लिमिटेड इज गेटिंग सपोज 4 लाख रुपीज, दैट इज द प्रॉफिट. रिटर्न मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट. एंड पीक्यूआर लिमिटेड इज गेटिंग 2 लाख रुपीज. हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, सेकंड ईयर के एंड में
जब सेकंड ईयर का एंड होता है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को 4 लाख रुपीज ही मिल रहा है, सेकंड ईयर में भी 4 लाख रिटर्न मिल रहा है और इसको 2 लाख मिलता है, सॉरी 1 लाख मिल रहा है। थर्ड ईयर के एंड में एक्स वाई जेड लिमिटेड को अगेन 4 लाख रुपीज मिल रहा है, एवरी ईयर इट इज गेटिंग द 4 लाख रुपीज, और पीक्यूआर लिमिटेड को मिल रहा है 7 लाख रुपीज। जंप मारा इसने, देखो 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 7 लाख का जंप। फोर्थ ईयर के एंड में एक्स वाई जेड लिमिटेड को अच्छा खासा पैसा मिलता है 5 लाख, पीक्यूआर को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। ओके, दिस इज वन एग्जांपल। अब मैं आपको यहां पे ऐसा पूछूं कि आउट ऑफ दिस टू कंपनी विच कंपनी इज बेटर, टेल मी, आपको इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, विच कंपनी इज बेटर। माई क्वेश्चन इज आउट ऑफ एक्स वाई जे लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड विच कंपनी इज बेटर। दोनों ने 10 लाख करोड़ रुपया लगाया है या तो 10 लाख लगाया है, सिंपल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है। ओके, एक्स वाई जे लिमिटेड, आंसर इज कमिंग एक्स वाई जे लिमिटेड फ्रॉम टू स्टूडेंट, द आंसर केम एक्स वाई जे लिमिटेड। अब आपको मुझे लॉजिक देना पड़ेगा, वाई, वॉट इज द रीजन, क्या रीजन क्या है, फंस कर रहा है, बताइए क्या रीजन है। स्टेबिलिटी, एक रीजन आया स्टेबिलिटी, एनी अदर थिंग। पीक्यूआर भी स्टेबल है, देखो पीक्यूआर में तो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है, 7 लाख, 6 लाख। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट, एक आंसर आया स्टेबिलिटी, एक आंसर आया कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई पीक्यूआर लिमिटेड में तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, देखो और कोई रीजन। देखो आप, आपके आंसर सही है, अब सही आंसर क्या है वो सुनो। अब मेरा क्वेश्चन सुनोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सी कंपनी जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको जल्दी रिकवर कर रही है, वो कौन सी कंपनी है जिसने 10 लाख रुपया पहले रिकवर कर लिया है। ये एवरी ईयर उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो रिकवरी तो है एक तरह का, कि आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा वापस आ गया। कौन सी कंपनी अपना रुपया जल्दी रिकवर कर रही है, विच कंपनी इज एबल टू रिकवर द एंटायर फंड अर्ली, एंटायर फंड 10 लाख रुपीज। एक्स वाई जेड, आंसर आपका आ रहा है कि एक्स वाई जेड इज रिकवरिंग 10 लाख रुपीज, यस करेक्ट। देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड 10 लाख में से 4 लाख रुपया पहले साल में रिकवर कर लेती है, तो अभी उसको खाली 6 लाख रिकवर करना बाकी बचा है। सेकंड ईयर में उसने दूसरा 4 लाख रिकवर कर लिया, तो अब उसको खाली 2 लाख रिकवर करने बाकी है। फिर थर्ड ईयर के एंड में उसको 4 लाख मिल रहा है, मतलब हम ऐसा समझ के चले कि 2 लाख रुपए उसने 6 महीने में रिकवर कर लिए होंगे। तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है, इस एक्स वाई जेड लिमिटेड ने, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि विद इन 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल, अपना पैसा रिकवर कर लिया। बाद में उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कैपिटल रिकवर हो जाता है 2.5 लाख में, 2.5 साल में। पीक्यूआर का सोचो, 10 लाख में से खाली 2 लाख रुपया रिकवर किया उसने, फिर 1 लाख, 3 लाख,
फिर तीसरे साल में 7 लाख आ जाते हैं, तो इसको अपना 10 लाख रिकवर करने में 3 ईयर्स लगते हैं और पूरे 3 साल लगते हैं। वो तो अच्छा है कि 3rd ईयर में 7 लाख प्रॉफिट होगा, इसलिए 3 ईयर्स। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टाइमिंग XYZ लिमिटेड इज बेटर। एक चीज ऑलवेज याद रखना, मनी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी रिसीव्ड लेटर ऑन। आज अगर आपके पास पैसा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 साल के बाद वो अगर पैसा मिलता है तो, या तो 1 महीने के बाद मिलता है तो। व्हेन वी आर इन द फाइनेंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, देन ऑलवेज कीप इन माइंड मनी रिसीव्ड अर्लियर इज मोर बेटर देन द मनी रिसीव्ड लेटर। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा आ जाता है तो दैट यू कैन इन्वेस्ट। XYZ लिमिटेड को पहले साल में 4 लाख रुपया मिल गया, PQR को पहले साल में 2 लाख मिला, तो XYZ लिमिटेड इज इन अ गुड पोजिशन, इट कैन इन्वेस्ट दिस 4 लाख समवेयर, जबकि PQR खाली 2 लाख ही इन्वेस्ट कर पाएगी। सेकेंड ईयर में XYZ लिमिटेड टोटल 8 लाख रुपया कहीं भी इन्वेस्ट कर पाएगा, जबकि PQR खाली 3 लाख ही इन्वेस्ट कर पाएगी। तो मनी रिसीव्ड अर्लियर इज बेटर एंड दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोनों का प्रॉफिट इक्वल है। देखो XYZ लिमिटेड को 17 लाख कुछ मिल रहा है टोटल, और PQR लिमिटेड को टोटल 16 लाख मिल रहा है। दोनों को प्रॉफिट तो इक्वल है, बट दिस प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। दोनों को 16-17 लाख के आसपास ही मिल रहा है, बट XYZ लिमिटेड को पैसा जल्दी मिल रहा है और मोर अमाउंट इट इज रिकवरिंग द इनिशियल ईयर्स। सो XYZ लिमिटेड इज बेटर। तो दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मनी रिसीव टूडे इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी रिसीव लेटर। नो डाउट PQR लिमिटेड इज ऑल्सो गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द बिजनेस इट इज गेटिंग ओनली 2 लाख एंड 1 लाख, दैट इज नॉट गुड। तो दिस इज अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ लेट अस वी डिस्कस अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। तो हम आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि द वर्ड प्रॉफिट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। सेकंड इज इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट सेज इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अर्निंग स्ट्रीम। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया XYZ और PQR का, दोनों में प्रॉफिट तो मिल रहा है पर रिस्क फैक्टर भी तो ध्यान में लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई एक प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की हो, कोई कोई एक प्रोजेक्ट कम रिस्की हो। कम रिस्क में ज्यादा पेमेंट मिलता है, दैट इज द गुड प्रोजेक्ट। कम रिस्क में ज्यादा पैसा मिलता है, दैट इज द गुड प्रोजेक्ट। और आप बहुत बढ़िया रिस्क ले लो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज नॉट द गुड थिंग। रिस्क लिया है तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, पर कम रिस्क में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज द गुड थिंग। तो रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में लेना चाहिए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फोर्थ इज इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। देखो आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ कंपनीज डिसाइड हाउ मच अमाउंट टू पे एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो जब कंपनी डिविडेंड देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डरों को, तो उसकी जो इफेक्ट होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे होती है। कोई एक कंपनी है रेगुलरली डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को, हर साल में शेयर होल्डर के पास चेक आ जाता है डिविडेंड का, तो वो शेयर होल्डर क्या करेगा, उस कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदेगा। और जो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है तो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ जाता है और उस कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ती है।
क्योंकि अगर आज मुझे अच्छा डिविडेंड मिल रहा है तो मैं 10 लोगों को बोलूंगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो 10 लोग दूसरे 10 को बोलेंगे, माउथ पब्लिसिटी होती रहेगी, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कितनी भी एडवर्टाइज कर लूं, कितने भी बैनर्स लगा लूं, इमटेरियल है। पर अगर कोई बंदा मेरे बिजनेस के बारे में अपने फ्रेंड्स को बोलता है और वो लोग दूसरे फ्रेंड्स को बोलते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, जल्दी ग्रो होगा। तो माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। इसी तरह से कंपनीज में होता है कि किसी कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है तो वो शेयर होल्डर दूसरे 10 को बताएगा, तो मार्केट में उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ती है, और जब भी किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। ये रूल कहीं पे भी आप अप्लाई कर लो, जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी उस कंपनी के, तो उस कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिविडेंड पॉलिसी को इग्नोर कर रहा है, वो यहां पे बता नहीं रहा है कि डिविडेंड से मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट होगी। ओके, तो ये इसकी अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट।